दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज अटैक में। ये वही शो है जहां हम आपको सिखाते हैं अनोखी और मजेदार चीजें बनाना। और चाहे ये चीजें देखने में मुश्किल लगे, लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है। और एक बात बताऊं, आज हम कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। एक ऐसा आइडिया जिससे आप हो जाएंगे उल्टे पुल्टे। एक डरावना और विशाल कलाकृति, खौफनाक पेंटिंग करने की एक स्पेशल तकनीक, एक तरीका जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हम हमारे पर्यावरण का ख्याल रखने वाले नारियल अन्ना से भी बातचीत करेंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अपने बहुत ही खास दोस्त से। ये सो रहा है, ये है मेरा प्यारा आर्ट अटैक वैम्पायर दोस्त। है ना डरावना, क्या आप भी इसे बनाना चाहते हैं? तो मैं आपको सिखाऊंगा इसे कैसे बनाते हैं। लेकिन बनाते बनाते कहीं ये काट ना ले। वैम्पायर भाई, काटेगा तो नहीं ना? एक कार्डबोर्ड पर वैम्पायर का खुला हुआ पंख बनाइए। बनाते वक्त इसमें इस तरह के पॉइंट्स बनाइए और फिर इसे काट लीजिए। इसी पैटर्न का इस्तेमाल करके वैम्पायर का दूसरा पंख बनाइए। पर ध्यान रहे, दोनों बिल्कुल हूबहू होने चाहिए। अब दो पैर के निचले हिस्से बनाइए जो छत से लटकने वाले हैं। फिर नुकीले कान बनाइए जो एक रिडार की तरह छोटी छोटी आवाज भी सुन सकें। फिर इन सबको काट लीजिए। अब एक टॉयलेट पेपर का रोल लीजिए और इस तरह काट लीजिए। फिर सब भाग को आधा काट लीजिए, इसे नोकीला काट दीजिए। ये इस तरह दिखना चाहिए, देखा? बिल्कुल एक ताज की तरह। इसे घुमाएं और आपको मिलेगा एक पतली ट्यूब। टेप की मदद से ट्यूब को चिपकाएं ताकि ये पैर का आकार जैसा दिखे। अब सेलोटेप लेकर पैर को उसके निचले हिस्से के साथ जोड़ दीजिए। टेप लगाने में कंजूसी नहीं। ध्यान रहे कि पूरे वैम्पायर का शरीर का भार इस पर आने वाला है। देखिए कितना शानदार और डरावना लग रहा है ये। अगर आपको उड़ते हुए शैतानों से डर लगता है तो अभी से संभल जाएं। देखिए, ये हैं इसके कान, ये हैं इसके पंख और ये हैं इसके टांगे। लेकिन मुझे अभी भी इसमें कुछ कमी लग रही है। आप तो समझ ही गए होंगे, इसके शरीर की। तो शरीर बनाने के लिए हमें चाहिए एक इस तरह का न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर को सबसे पहले ऐसे कुचड़ मुचड़ कर दीजिए और ये तब तक इसमें न्यूज़पेपर ऐड करते रहिए जब तक कि आपके पास बड़ा बॉल ना मिल जाए। इस बड़े बॉल में हम और भी न्यूज़पेपर ऐड करेंगे ताकि आपके पास इस तरह का एक आकार ना आ जाए। देख रहे हैं, इसमें मैंने ढेर सारी टेप लगाकर इसको अच्छी तरह मजबूत बनाया है। ये है ऊपर से थोड़ा बड़ा और नीचे से थोड़ा छोटा। तो ये आ गया इसका शरीर। तो अब देखेंगे कि हम आगे इस पे क्या काम करते हैं। अब हर हिस्से को टेप से शरीर पर जोड़ दीजिए। कान को ऊपर चिपकाइए ताकि अंधेरे में भी इसे अपना रास्ता मिल जाए। यहाँ नीचे इसके पैर मजबूती से चिपकाएं ताकि ये वजन उठा सकें। और आखिर में इसके दोनों खुले हुए पंख जिनकी मदद से ये अपने शिकार तक पहुंच सके। देखा, इसका आकार बिल्कुल एक वैम्पायर जैसा बन चुका है। देखिए, हमारा आर्ट अटैक वैम्पायर लगभग तैयार है। बस अभी इसको और मजबूत बनाना होगा ताकि ये एक किले से दूसरे किले उड़ सके। न्यूज़पेपर के टुकड़े काट लें और आर्ट अटैक पेस्ट से वैम्पायर पर चिपका दें। आर्ट अटैक पेस्ट बनता है पानी और गम को बराबर हिस्सों में मिलाए जाने पर। पूरी तरह इससे ढक दें और कोई भी जगह ना छूटे। इस तरह
डिटेल्स बनाने से पहले ये एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि ये सूखा है कि नहीं। देखिए ये तो अपने पैरों पे खड़ा है और उड़ान भरने को तैयार है। अगर मैं इसको ऐसा उल्टा कर दूं तो ऐसा लगेगा कि ये सो रहा है, पर असल में ये तो अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। तो चलिए अब इसमें रंग भरते हैं। इसके डिटेल्स परमानेंट मार्कर से बनाइए। इसकी आंखें पूरी खुली रखना और इसके मुंह पर दो नुकीले दांत बनाइए। आंखों को दीजिए पीला रंग, मुंह को दीजिए लाल रंग और दांतों को दीजिए सफेद। अब पूरे शरीर को बैंगनी रंग दीजिए। इसकी आंखों का आउटलाइन बनाइए ताकि ये दिखने में और भी डरावनी लगे। देखा कितनी डरावनी है। अब बैंगनी शरीर पर सफेद रंग से लकीरें बनाइए ताकि ये और भी असली लगे। देखा हमारा वैम्पायर तैयार है। ये तो काफी डरावना है। अब किसी बड़े को कहकर इसे छत से लटकवा सकते हैं। आपको वैम्पायर से डर नहीं लगा क्या? आपको बुरी किस्मत से डर लगता है? तो आपके लिए बनाई है मैंने काली बुरी किस्मत वाली बिल्ली। ये अपने पंजों की मदद से छत पे चल सकती है ना ये कमाल। और मैंने अभी अभी कुछ रेंगते हुए देखा है। ये क्या हो सकता है? ये तो है खतरनाक मकड़ी। इसे मैंने दिया है नारंगी रंग और इसकी बनाई है बड़ी बड़ी आठ टांगे ताकि अपना जाला फटाफट बन सके। तो दोस्तों आप भी शुरू हो जाइए। आपकी सोच कितनी ही अजीबो गरीब क्यों ना हो उसे सच में बदलिए। अपने कमरे को इन अनोखी चीजों से सजा दीजिए। नमस्कार, हम ए नारियल अन्ना। कितना डरावना दिन है। चलिए वैम्पायर बनाते हैं जो छत से झूलता है। आपको याद है ना ये कैसे बनाते हैं? एक कार्डबोर्ड लेकर पंख का डिजाइन बनाइए और इसे काट लीजिए। ऐसे ही एक और पंख बनाइए, फिर दो कान और दो पैर बनाइए और इन सबको काटिए। पैर को पूरा करने के लिए टॉयलेट पेपर रोल को काट लें और उसे नुकीला आकार दें। उसे घुमाकर पतली ट्यूब जैसा बनाइए। बहुत सारा टेप लेकर सर्कल को कार्डबोर्ड के रोल पर चिपका दीजिए। शरीर को बनाने के लिए न्यूज़पेपर रोल लेकर परत बनाइए और आधार को मजबूत करने के लिए टेप लगाइए। अब सभी शरीर के हिस्सों को जोड़ दीजिए और न्यूज़पेपर के टुकड़ों को अर्थटेक पेस्ट से चिपका दीजिए। सूखने के बाद डिटेल्स को मार्कर पेन से बनाइए। आँखों को पूरा खुला रखिए और मुंह में दो बड़े दांत बनाइए। आखिर में आप इसे अपने मन पसंद रंगों से रंग दीजिए। ओह, मुझे लगता है कि एक वैम्पायर उड़ के यहाँ खुद आ गई। अम नारियल अन्ना, इस आइलैंड का सबसे बड़ा वैम्पायर। मैं रात को उसके घर पर आती हूँ जो पानी बर्बाद करते हैं। तो अपने किचन और बाथरूम का नल हमेशा बंद रखना, वरना मैं सारा पानी पी जाऊंगा और आप अर्थटेक पेस्ट नहीं बना पाओगे। डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं बस मजाक कर रहा था। बस पानी वेस्ट मत कीजिए। जैसे कि आप आज तक आर्ट अटैक में देख ही चुके हैं कि आप यहाँ किसी भी चीज से कुछ भी बना सकते हैं। यकीन नहीं होता तो यहां देखिए, ग्लिटर। एलेक्स इसी की मदद से कुछ बना रहा है। तो ध्यान से देखिए और गेस कीजिए कि ये क्या बना रहा है।
उन भूतों के किले की तरह नहीं तो क्या हुआ। मेरे पास कद्दू है और इस कद्दू की एक पुरानी कहानी है। इस कद्दू को श्राप मिला था कि इसकी आत्मा एक मोमबत्ती के साथ फांसी रहेगी। क्या आपने कभी गोभी में छेद करने के बारे में सोचा है? दरअसल ये मुश्किल है, इसलिए गोभी की जगह कद्दू का इस्तेमाल कीजिए और सारे चॉकलेट्स को नारियल से बनाइए, बिल्कुल मेरी तरह। चलिए गेस कीजिए कि आज हम क्या तकनीक सीखने वाले हैं। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, ये मजेदार है और रंगों से बना है, पर पेंट ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। क्यों, समझ में आया कि हम क्या सीखने वाले हैं? हम अपने उंगलियों से पेंटिंग करने वाले हैं और इस तकनीक से हम बनेंगे चुड़ैल का पेंटिंग जो आपके कमरे में घुसने वाले घुसपैठे को डरा के भगा देगी। मैं अपनी उंगली को रंग में डुबाऊंगा और जहां मैं पेंट करना चाहता हूं उस जगह पर डॉट यानी धब्बे बनाऊंगा। इस तरह उंगलियों पर ज्यादा पेंट ना लें ताकि हम जो बना रहे हैं उस पर हमारा काबू हो। इसकी टोपी होगी काली और कुछ जगह में मैं ग्रे यानी गेरू रंग लगाऊंगा। मैं कपड़ों पर और बालों पर कहीं कहीं लाल रंग का इस्तेमाल करूंगा। चुड़ैल के शरीर को गुलाबी रंग देने की जगह पीला रंग लगाऊंगा ताकि ये और भी घिनौना लगे। मैं इस बड़े मटके को सिल्वर रंग लगाऊंगा। देखा कि मैं अपनी उंगलियों को कैसे पेंट ब्रश की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। अब क्योंकि चुड़ैल के कंधों पर बैठा मेंढक बहुत ही छोटा है, मुझे थोड़ा संभल कर काम करना होगा। अब बारी है जादुई काढ़े की। इस तकनीक से ऐसा महसूस होगा कि ये उबल रहा है। देखा, फिर मैं इसका पूरा आउटलाइन करूंगा ताकि इसका फिनिशिंग अच्छा दिखे और असली लगे। है ना मजेदार? ये चुड़ैल तो सच में डरावनी है और अपनी उंगलियों से रंग लगाने पर अलग ही असर हो रहा है ना? ध्यान रखें, अगर आपको मोटी या पतली लाइन बनानी हो तो उंगलियों को बदलते रहें। मतलब आपके पास 5 पेंट ब्रश हैं। आखिर में मैं अपनी 5 उंगलियों को रंगों में डुबाऊंगा और पूरा बैकग्राउंड रंग दूंगा। देखिए कितना बढ़िया इफेक्ट लगता है ना? ये करना बहुत ही आसान है और दिखने में खूब लगता है। जब रंग सूख जाए तब काले मार्कर से चुड़ैल की आउटलाइन बना दीजिए। मैं बाकी चीजों पर भी यही करूंगा ताकि पेंटिंग उभर कर निकले और सब कुछ साफ साफ दिखे। ये तो इतना बढ़िया बना है कि इसको फ्रेम करके रख सकते हैं। और यहां देखिए, मैंने मार्कर से इसकी डिटेलिंग फिर से करी है ताकि इसका चेहरा साफ दिखे। लगता है कि चुड़ैल अपने साथी को भी लेके आई है। देखते हैं कौन है।
ओह, ये तो वैम्पायर मुशाए हैं। वैम्पायर मुशाए, आर्ट अटैक के शो में आपका स्वागत है। बस मुझे छोड़ दो। ओह, ये बड़े गोस्ट हैं मेरे प्यारे दोस्त। मैं अपनी डरावनी पार्टी में इन्हें बुलाना चाहता हूँ। मैं अपनी इस जन्नत को डरावनी और अंधेरी जगह में बदल दूंगा। देखिए, मैंने अपनी पेंटिंग एक पत्ती के साथ कितनी डरावनी बनाई है। मैं इसे डेकोरेशन में इस्तेमाल करूंगा और साथ में मकड़ियों के जाले भी बनाऊंगा। अगर आप हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो आपको वो ड्राइंग दिखानी होगी जिसे आपने अपनी उंगलियों से बनाई है। यही हमारा सीक्रेट पासवर्ड होगा। रावनी म्यूजियम में आपका स्वागत है। अब वक्त है आर्ट अटैक के सबसे डरावने ड्राइंग को जानने का, जो है एक सिर कटे आदमी की तस्वीर। सचमुच डरावना है ना ये? कितना थोड़ी देर के लिए लगा जैसे मैंने सही में अपना सर खो दिया है। क्या आइडिया है ना। अब देखते हैं इसको बनाना कैसे है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ इस तरह का एक कार्डबोर्ड जिसपे आप अपना चेहरा बना सकें। चेहरा बनाने के लिए हमें पहले अपना खुद का चेहरा नापना होगा, थोड़ी से लेकर के ऊपर तक, जो है मेरा 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर के आसपास की एक लाइन मैं ठीक बना दूंगा सीधी। अब मैं नापूंगा अपना चेहरा साइड टू साइड, जो है मेरा कान से लेकर इस कान तक, जो कि है 20 सेंटीमीटर। तो मैंने बनाई 20 सेंटीमीटर की लाइन ठीक यहाँ पे और ऐसे। अब इन चार कोनों को आपको जोड़ना होगा एक अंडे के शेप की तरह, कुछ ऐसा। ये बन गया अंडे का शेप। अब आपको ये वाला हिस्सा जो है वो काटना है ताकि हम सर डाल सकें। अब चलिए देखते हैं आगे कैसे करना है। अपनी तीन उंगलियों को कार्डबोर्ड के किनारे पर रखकर एक निशान बनाइए, फिर अपने हाथ को थोड़ा सा उठाकर फिर से निशानी बनाइए। इस तरीके को दोहराकर पूरे कार्डबोर्ड के किनारे पर ऐसे ही निशान बना लीजिए। इनसे हम इस तस्वीर का फ्रेम बनाएंगे। एक लंबे स्केल की मदद से सारे निशानों को मिला दें। अब हम तस्वीर पर काम शुरू करते हैं। सबसे पहले बालों को बनाना शुरू करें। दिखने में बहुत ही डरावना लगना चाहिए। अब बिना सर वाले आदमी का शरीर बनाइए और उसके मुड़े हुए हाथ बनाइए अंडाकार छेद के नीचे। इसकी उंगलियां लंबी, कंदी, नुकीली और नाखूनों के साथ बनाइए। दिखने में बहुत ही खतरनाक होनी चाहिए। जितनी भयानक बना सकते हो उतना ही अच्छा है। हमने एक बिना सर वाला आदमी बना लिया है। अब इसकी गर्दन से निकलती हुई नसों को तो देखो कितनी घिनौनी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगी इसकी गर्दन के बीच में हड्डी जो बाहर निकल रही है। इसके बालों को मैंने उल्टा बनाया है ताकि ये आग जैसे लगें, पर आप जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं। अब बारी है इसे पेंट करने की। लाल रंग की मदद से मैं बैकग्राउंड को रंग दूंगा। क्योंकि लाल रंग से तस्वीर पे जान आएगी। फिर मैं इसके फ्रेम को सुनहरा रंग दूंगा ताकि ये पुराना और कीमती लगे। इसके कपड़ों को मैं भूरा रंग दूंगा, पर आप अपना मन चाहा रंग दे सकते हैं। मैं बालों पर नारंगी रंग लगाऊंगा ताकि वो आग की लपटों की तरह दिखें। अब बारी है इसकी त्वचा की। पेंट सूखने के बाद वक्त है आगे बढ़ने का। मार्कर पेन से आप इसके डिटेल्स और थोड़ी अच्छी तरह दिखा सकते हैं। इससे तस्वीर थोड़े और डरावने लगेंगे। अब
सफेद क्रेयॉन से मैं इसे और बेहतर बनाऊंगा। मैं बालों पर थोड़ा थोड़ा सफेद रंग लगाऊंगा और बालों के एंड्स पर पीला रंग भी हल्के से लगाऊंगा ताकि आग की लपटों की तरह दिखे। बहुत बढ़िया। और बेहतर दिखने के लिए मैं अलग अलग जगह पर परछाई भी बनाऊंगा। देखिए अब ये ड्राइंग कितना बेहतर लगने लगा है। काली परछाई दिखाने से ऐसा लगेगा कि यहाँ रोशनी बहुत कम है। वाह उस्ताद वाह, मजा ही आ गया और डर भी लगा। अब आप इसे अपने घर के किसी कोने में रख सकते हैं और अपने घर में आए लोगों को डरा सकते हैं। अच्छा आपको सरकट आदमी पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, पेश है एक पागल प्रोफेसर। मैं अपने प्रयोग और जादुई दवाई से पूरी दुनिया में राज करूंगा राज। ओह तो आपको सचमुच में डरावनी चीजें पसंद है। तो ये देखिए एक चुड़ैल। मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हारा भेजा फ्राई खाना है। और कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है दोस्तों? ये देखिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। अब आप अपना डरावना शैतानी चेहरा बनाना शुरू कीजिए और पड़ोसियों को डराइए। मैं तो चला अपने पड़ोसियों को डराने। मैं मिलूंगा आपसे इसी शो में अगले एपिसोड में जिसका नाम है आर्ट अटैक। तब तक के लिए बाय बाय।